Oh man, no, there's no. You just gotta do it yourself. Fire. Are you okay? Look, there's nobody behind you. Look. हेलो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बंधी हुई है, जिसने भी उन दोनों को बांध के रखा था वो उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा है। लेकिन वो लड़की हिम्मत करके वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो अपने आप को छुड़ाती है और वहां से बाहर भागती है। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड को पता था कि जिसने उन्हें बांधा है वो उसे मार डालेगा। वो लड़की भागने लगती है और उसका पीछा एक इंसान कर रहा होता है जिसके हाथ में हुक जैसा हथियार होता है। लड़की भागते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए वो पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देती है। इसके बाद हमें दो लोग दिखाई देते हैं, ये दोनों कपल होते हैं, इनका नाम माइक और सिरिल होता है। ये दोनों जंगल में कैंपिंग करने जाना चाहते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहाँ पर ट्रैकिंग की जा सकती है। वहाँ का ऑफिसर उन्हें बताता है कि वो जंगल बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वहाँ कहीं भी ट्रैकिंग की जा सकती है, इसलिए उन्हें ट्रैकिंग करते वक्त सतर्क रहना पड़ेगा। जंगल में ट्रैकिंग पर जाने से पहले वो दोनों अपना मोबाइल कार में ही छोड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ट्रैकिंग के समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। दोनों जंगल का नक्शा देखते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ ट्रैकिंग करनी चाहिए। तभी वहाँ एक महिला आती है, उसका नाम इडा होता है, वो उस जंगल में रहती है। वो उन्हें बताती है कि जंगल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वहाँ सबसे खूबसूरत जगह है टिम्बर फॉल, क्योंकि वो बहुत ही शांत और अलग थलग पड़ी हुई है। इसके बाद वो दोनों टिम्बर फॉल निकल जाते हैं। सिरिल इस ट्रिप से बहुत खुश होती है, वो और माइक एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वो इंटीमेट हो ही रहे होते हैं तभी वहाँ तीन लड़के पहुँच जाते हैं। वो उन्हें परेशान कर रहे होते हैं और ये सिरिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो लड़के उसे ही घूर रहे थे। तभी उन लड़कों में से ब्रूडी माइक को एक ड्रग बेचना चाहता है और वो माइक से कहता है कि अगर तुम इसे खरीद लोगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। माइक गुस्से में अपना गन निकालना चाहता है, लेकिन सिरिल माइक को ऐसा करने से रोकती है। माइक उन्हें पैसे देता है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद माइक और सिरिल एक झरने के पास जाते हैं जहाँ उन्हें एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिलता है जिसका नाम क्लाइट होता है। वो उन्हें बताता है कि यहाँ बहुत से लोग घूमने आते हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। माइक पूछता है कि यहाँ वो कैंपिंग कहाँ कर सकते हैं। क्लाइट उसे एक झील के बारे में बताता है जहाँ वो कैंपिंग करने चले जाते हैं। सुबह सिरिल उस लेक में नहाने जाती है। जब वो नहा के बाहर निकलती है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है जो उससे पकड़ लेता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। माइक जब उठता है तो देखता है कि सिरिल उसके आसपास नहीं है। वो सिरिल को ढूंढने लगता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी माइक को उन तीनों लड़कों में से दो लड़के आते हुए दिखते हैं। उनमें से एक के हाथ में सिरिल की टॉवेल होती है। माइक उन दोनों को बहुत ज्यादा मारता है। उनमें से एक आदमी भाग जाता है। माइक दूसरे से पूछता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है, तो वो कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता, उसे सिरिल का टॉवेल रास्ते में पकड़ी हुई मिली थी। माइक उस लड़के को पीटता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। माइक सिरिल को खोजते हुए जंगल में भागने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर एक फंदे में फंस जाता है जिसके उसे बहुत दर्द होता है। तभी वहाँ पर इडा आ जाती है। इडा माइक को अपने घर ले जाती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। माइक की चोट बहुत गहरी होती है इसलिए उसे भरने में कुछ समय लगता है। इडा उसके लिए चाय बनाती है। माइक उससे सिरिल के बारे में पूछता है। इडा उसे तसल्ली देती है कि वो उसे जरूर मिल जाएगी। तभी इडा के घर के बाहर ब्रूडी आता है जो माइक को खोज रहा था, क्योंकि माइक ने ब्रूडी के आदमियों को पूरी तरीके से पीटा था। इडा माइक के लिए चाय लेकर आती है और उसे माइकल के नाम से बुलाती है। माइक को कुछ शक होता है और वो चाय नहीं पीता। वो इडा से पूछता है कि वो उसे माइकल कैसे बुला रही है, क्योंकि उसे उसकी दादी और माँ के अलावा किसी ने आज तक माइकल नहीं बुलाया। तभी माइक को याद आता है कि उसका पासपोर्ट रास्ते में चोरी हो गया था, हो ना हो पासपोर्ट इडा ने ही चुराया था। माइक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इडा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे जाने नहीं देती। माइक और इडा की लड़ाई होती है। माइक इडा को बेहोश करके सिरिल को वहाँ खोजने लगता है। वो एक गुप्त दरवाजे के नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ बहुत सारे बच्चों को प्रिजर्व करके रखा था। माइक सिरिल को वहाँ देखता है जिसे उन्होंने वहाँ बांध रखा था। वो सिरिल की रस्सियाँ खोलता है। तभी वो आदमी जिसने सिरिल को किडनैप किया था वहाँ आ जाता है। वो एक हुक जैसे हथियार से माइक पर हमला करता है और माइक के सर पर हथौड़ा मारकर उसे बेहोश कर देता है। सिरिल अकेले ही भागने लगती है। वो आदमी सिरिल का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी सिरिल को क्लाइट की कार दिखाई देती है। वो क्लाइट से मदद मांगती है। वो आदमी पीछे आ जाता है। क्लाइट उस आदमी को डांटता है कि सिरिल वहाँ से कैसे भाग गई और एक रॉड लेकर सिरिल को बेहोश कर देता है। रात में सिरिल को
दुल्हन की तरह तैयार किया गया और माइक को दूल्हे की तरह। वो लोग उन दोनों की शादी करने वाले हैं। वो अजीब सा आदमी ईडा का भाई डिकन होता है। ईडा कहती है कि वो लोग बाइबल को बहुत मानते हैं और क्योंकि माइक और शेरिल ने शादी से पहले संबंध बनाया है, इसलिए इस पाप से मुक्ति के लिए माइक और शेरिल की शादी करा रहे हैं। फिर डिकन शेरिल को परेशान करने आता है और माइक को दूसरे कमरे में लटका दिया जाता है। तभी ईडा वहाँ आती है और डिकन को वहाँ से भगा देती है। ईडा और क्लाइड पति पत्नी है और वो शेरिल और माइक को जाकर बताते हैं कि वो दोनों माँ बाप कभी नहीं बन सकते, इसलिए वो चाहते हैं कि माइक और शेरिल उनके लिए बच्चे पैदा कर सकें, जिसे वो अपने पास रख सकें। इसके बाद वो माइक और शेरिल को एक ही कमरे में लाते हैं और उन्हें इंटीमेट होने कहते हैं, जिससे शेरिल प्रेग्नेंट हो सके और उन्हें बच्चा मिल सके। अगली सुबह ईडा वहाँ आकर चेक करती है कि उन्होंने रात में कुछ किया या नहीं, लेकिन रात में वो दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। क्लाइड माइक को बताता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो रोज उन दोनों को तड़पाएगा। इधर डिकन एक ब्लेड से माइक के पीठ को काट देता है और उसके ऊपर अल्कोहल डाल देता है, जिससे माइक चिल्लाने लगता है। ईडा भी शेरिल की एक उंगली काट देती है। ब्रूडी माइक को खोजते हुए वहाँ आता है, लेकिन कुछ देर पहले ही क्लाइड में माइक की कार को झील में डुबा दिया होता है। वो ब्रूडी को कहता है कि वो दोनों यहाँ से जा चुके हैं और इसके बाद ब्रूडी वहाँ से चला जाता है। रात होती है और क्लाइड और ईडा माइक और शेरिल को एक ही कमरे में ले जाती है और उन्हें इंटीमेट होने को कहती है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें और भी ज्यादा सजा दी जाएगी। शेरिल माइक को समझाती है कि क्यों ना दोनों उनकी बात मान लें, लेकिन माइक को पता था कि बच्चा होने के बाद वो उसे मार देंगे, इसलिए वो शेरिल को समझाता है और इसके लिए मना करता है। शेरिल की माँ ने कंप्लेंट कर दी थी कि उसकी बेटी गायब है, इसलिए एक ऑफिसर शेरिल और माइक को खोजते हुए उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आती है। वो ऑफिसर क्लाइड से वॉकी टॉकी में बात करती है। क्लाइड वही होता है जहाँ पर उसने माइक और शेरिल को रखा होता है। उसके साथ उसका पूरा परिवार भी होता है। जब वो ऑफिसर उससे उन लोगों के बारे में पूछती है तो क्लाइड मुकर जाता है और कहता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो ऑफिसर इसके बाद ब्रूडी के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर उसने उन दोनों को ढूंढ निकाला तो पुलिस उसे एक बहुत बड़ा इनाम देगी। लालच में आकर ब्रूडी ऑफिसर को हेल्प करने के लिए हाँ कर देता है। इधर रात में डिकन शेरिल के पास जाता है और उससे करने की कोशिश करता है। शेरिल चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज ईडा और क्लाइड सुन लेती है और वो अपने भाई को जाकर रोकती है। ईडा माइक को समझा रही होती है कि उन्हें वो करना ही होगा जो वो कह रहे हैं। तभी शेरिल हंसते हुए कहती है कि वो 2 महीने पहले से ही प्रेग्नेंट है। ईडा और क्लाइड का प्लान फेल होते दिखता है, क्योंकि वो दोनों बाइबल को मानते हैं और बाइबल के अनुसार शादी से पहले प्रेग्नेंट होना पाप है। ब्रूडी और उसका दोस्त ईडा के घर आते हैं। उसे शक होता है कि क्लाइड और ईडा ने मिलकर ही दोनों को किडनैप किया है। दोनों उनके घर के अंदर घुसते हैं। ब्रूडी बेसमेंट में आता है तो उसे वहाँ पर वही नजारा दिखता है जो माइक ने देखा था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे प्रिजर्व होते हैं। उसका दूसरा साथी एक दूसरे रास्ते को खोज लेता है, लेकिन क्लाइड उसे जान से मार देता है। ईडा ब्रूडी को शूट कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब क्लाइड और ईडा मिलकर दोनों लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं, तब ईडा कहती है कि वो शेरिल का अबॉर्शन करेगी क्योंकि वो बच्चा पाप है, लेकिन क्लाइड उसे कहता है कि अबॉर्शन करना भी एक पाप है। वो दोनों माइक और शेरिल को मारने का तय करते हैं और दूसरे कपल को पकड़कर बच्चे के लिए फिर से कोशिश करने की बात कहते हैं। इधर मौका देखकर माइक अपने आप को आजाद कर लेता है। जब क्लाइड उसे मारने आता है तो वो एक चाकू से उसके गले पर वार करता है, जिससे क्लाइड नीचे गिर जाता है। माइक उसकी बंदूक छीनता है और उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ईडा वहां आती है। वो क्लाइड की लाश को देखती है। वो गुस्से में माइक के ऊपर चाकू से वार करती है, जिससे माइक जख्मी हो जाता है, लेकिन शेरिल अपने आप को छुड़ाकर ईडा के सर पर एक रॉड मारती है। वो उसे बेहोश कर देती है। माइक और शेरिल वहां से भागने लगते हैं। माइक क्लाइड की वॉकी टॉकी लाने की बात करता है, जिससे वो हेल्प बुला सके। शेरिल ऊपर जाकर वॉकी टॉकी खोजती है और मदद मांगती है, लेकिन डिकन उसके ऊपर हमला कर देता है। शेरिल के हाथ में क्रॉस लगता है, जिससे वो डिकन को जख्मी कर देती है। उसे वहाँ एक फोन मिलता है, जिससे वो मदद बुलाती है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माइक और शेरिल बहुत खुश हैं और उनकी एक छोटी सी बेटी भी हुई है। वो उसे कमरे में सुलाकर बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है, जिसके हाथ में वैसा ही हुक होता है जैसा कि डिकन इस्तेमाल किया करता था। इसके बाद ये फिल्म वहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2007 में आई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.2।